नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पर अमेरिका की ओर से सवाल खड़ा किए जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से जवाब आया है। पाकिस्तान के नवनियुक्त योजना मंत्री असद उमर ने कहा कि सीपीएसई हमारे देश के लिए कभी बोझ साबित नहीं होगा। यह आने वाले वक्त में देश की औद्योगिक वृद्धि के लिए मजबूत आधार तैयार करने में मदद करेगा और इसकी वजह से चीन के साथ रिश्ते कभी समाप्त नहीं होंगे। पड़ोसी देश नेपाल और भारत के बीच कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें नो मैंस लैंड क्षेत्र में नियमित गश्ती और एक वर्ष के भीतर संयुक्त सुरक्षा अभ्यास करने जैसे बिंदु शामिल हैं। इस दौरान नेपाल के एपीएफ व भारत के एसएसबी के बीच 8 बिंदुओं के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। महाराष्ट्र में शनिवार सुबह हुए सियासी उलटफेर को लेकर आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस उच्चतम न्यायालय पहुंची, जहां तीनों दलों ने अदालत से राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद अदालत ने केंद्र, राज्य, फडणवीस और अजित पवार को नोटिस जारी किया है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 59वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम ने अयोध्या फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब देश नई उम्मीदों, आकांक्षाओं के साथ नए रास्ते पर नए इरादे लेकर चल पड़ा है। न्यू इंडिया इसी भावना को अपनाकर शांति, एकता और सद्भावना के साथ आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। स्विस बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों की जांच के घेरे में एक शाही घराना भी आ चुका है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जांच अधिकारियों ने महाराष्ट्र के सांगली के पूर्व रियासतदारों के परिवार के 2 लोगों की जानकारी स्विट्जरलैंड के टैक्स विभाग से मंगाई है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगती नजर आ रही हैं। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम दिल्ली में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरेंगे और हम अब मनोज तिवारी को दिल्ली का सीएम बनाने के बाद ही आराम करेंगे। महाराष्ट्र में बदले राजनीतिक समीकरण की चर्चा हर ओर हो रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने एनसीपी नेता अजित पवार को लेकर कहा कि अजित पवार ने अपनी पार्टी के विधायकों को धोखा देते हुए उनके समर्थन पत्र का गलत इस्तेमाल किया है। चौहान ने रविवार को कहा कई विधायक जो नेतृत्व में इधर उधर हो रहे थे वे पार्टी में वापस आ गए हैं। आपको बता दें कि शरद पवार से मुलाकात के बाद उन्होंने यह बयान दिया है। यूपी पुलिस के बेड़े में आज 299 नए दारोगा शामिल हो गए हैं। बतौर मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह के दौरान परेड की सलामी ली। इसके बाद एडीजी पुलिस अकादमी राजीव कृष्ण ने दारोगा शपथ दिलाई। जेएनयू में हॉस्टल फीस वृद्धि के मामले का हल खोजने के लिए आज प्रबंधन द्वारा कदम उठाया गया है। फीस वृद्धि को लेकर चल रही नाराजगी के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जहां यह समिति फीस वृद्धि मामले में जेएनयू के छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का और इसके हल खोजने की कोशिश करेगी। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदलने से तापमान में गिरावट जारी है। वहीं आज धूप निकलने पर लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन बादल छाने के बाद यहां ठंड फिर से बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात ठंड के बढ़ने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में संविधान दिवस के मौके पर 26 नवंबर को सभी 3,226 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां इन बैठकों की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ होगी। आपको बता दें कि इस अवसर पर पंचायत प्रधानों की ओर से उपस्थित लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाई जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां जमकर इसकी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस के प्रमुख रामेश्वर उरांव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी यहां स्थानीय मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतर रही है, तो वहीं भाजपा राज्य में अयोध्या, राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर सरकारी नाकामी से लोगों का ध्यान दूर ले जाना चाहती है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एनसीपी के अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली है, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र प्रकरण को लेकर कहा कि यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के बिना संभव नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी को मन की बात नहीं बल्कि अपने दिल की बात करनी चाहिए। कॉरपोरेट मंत्रालय वित्तीय गड़बड़ियों का सामना कर रही सीजी पावर के खाते के नए सिरे से जानकारी चाहता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा मांगा है। बताया जा रहा है कि इसमें कंपनी के पूर्व प्रमोटर गौतम थापर से जुड़ी लेनदेन भी शामिल है। एप्पल जल्द ही ग्लोबल लेवल पर अपने सबसे सस्ते आईफोन SE 2 को लॉन्च करने वाली है। साथ ही कंपनी के इस फोन से जुड़ी कई रिपोर्ट्स लीक हुई थी, जिनमें कीमत और स्पेसिफिकेशन की जानकारी मिली थी। हाल ही में आई रिपोर्ट में कहा गया कि आईफोन SE 2 का प्रोडक्शन नए साल से शुरू हो जाएगा, लेकिन कंपनी ने इस फोन की लॉन्चिंग को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
शोधकर्ताओं के मुताबिक सर्दी में बहुत से बैक्टीरिया इंसान को बीमार कर देते हैं, लेकिन अंडों में प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया से मुकाबला करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप अंडों को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को दूर कर सकता है। शनिवार को हॉकी की प्रशासनिक संस्था FIH ने ओलंपिक पूल की घोषणा की है, जहां टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और दुनिया की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ पूल ए में रखा गया है। वहीं इनके अलावा भारत के पूल में स्पेन, न्यूजीलैंड और जापान है। सैकड़ों बेहतरीन फिल्मों की पटकथा लिखने वाले सलीम खान आज 84 साल के हो गए हैं, जहां उनके जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड सितारों ने उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। आपको बता दें कि सलीम खान बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला दर्शकों को काफी पसंद आ रही है, जिसके कारण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करते हुए 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है, जिसकी घोषणा फिल्म निर्माताओं ने कल की। गौरतलब है कि मूवी बाला 7 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है घंटी है उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।